हैव यू एवर विजिट अ म्यूज़ियम और एनी सच प्लेस पर क्या कभी आप म्यूज़ियम गए हैं क्या या फिर इसी की तरह कोई और जगह पर गए हैं क्या इफ़ नॉट दर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अगर आप नहीं गए हैं तो आज हम इस चैप्टर में एक म्यूजियम के बारे में जानेंगे जिसका नेम है

कॉजिंग ग्रेट इंटरेस्ट जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो इंटरेस्टेड हों उत्साहित हो ईगर हों बट उस दिन रानी एंड रोहित दोनों ही एक्साइटेड नहीं थे इंटरेस्टेड नहीं थे द विटर वेकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड उनके जो विंटर वेकेशन थे वो अब एंड होने वाले थे ख़त्म होने वाले थे यट देयर वॉज स्टिल नो प्लान इन साइट बट अभी भी कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है कि वो कहीं घूमने जाएंगे डैड एंड मॉम वर बोथ इन सर्विस और उनके जो डैड एंड मॉम है वो भी दोनों सर्विस में है देयर जॉब टेकिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम और उनकी जॉब उनका बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है सो टेकिंग अ ब्रेक फॉर देम सीम्ड आउट ऑफ क्वेश्चन और उनके लिए जॉब से ब्रेक लेना एक एक क्वेश्चन मार्क की तरह है उनके लिए एक बहुत मुश्किल की बात है लुक हियर मॉम सेड एज शी रिटर्न फ्रॉम होम अ टॉल मैन एट हर साइट तो जैसे ही उनकी मॉम एंटर होती है घर में वापस आती है तो वो बोलती हैं अपने बच्चों से जरा देखो कौन आया है और उनकी साइड में कौन खड़ा हुआ था अ टॉल मैन एक टॉल मैन खड़ा हुआ था इट्स अंकल श्याम एक्सक्लेम्ड रानी तो रानी कहती है ये अंकल श्याम है अंकल श्याम इज टेकिंग यू बोथ फॉर एन आउटिंग टूमोरो एड ए टेकिंग ऑफ हिज कोट तो डैड कोट निकालते हुए अपने बच्चों से कहते हैं कि अंकल श्याम आप लोगों को कल आउटिंग के लिए लेकर जा रहे हैं आउटिंग के लिए लेकर जा रहे हैं मीन्स बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं वेयर आर वी गोइंग द चिल्ड्रन क्राइट टूगेदर इन एक्साइटमेंट तो बच्चे एक्साइटमेंट में बोलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं वो ये जान के बहुत खुश हो गए थे कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं कूल डाउन सेट मॉम यू आर गोइंग टू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय तो उनकी मोम उनसे बोलती हैं कि कूल डाउन शांत हो जाओ आप लोग कल कहाँ जा रहे हो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जा रहे हो ऐ म्यूजियम से मीनिंग ऑफ एंथसियाज्मियाम का मतलब क्या होता है इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट की स्ट्रोंग फीलिंग होना उत्साहित होना तो जैसे ही उन्हें पता चला कि हम एक म्यूजियम जा रहे हैं तो वो उन्होंने अपना जो एक्साइटमेंट था वो लूज कर लिया था उनकी जो ईगरनेस थी वो अब कम हो गई थी ये सुनकर कि वो एक म्यूजियम जा रहे हैं इट इज नॉट जस्ट अ म्यूजियम सेड अंकल श्याम तो अंकल श्याम ने कहा यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है वन ऑफ इट्स काइंड ओपन एयर म्यूजियम ऑफ मैन काइंड इन इंडिया ये इंडिया का एक ओपन एयर म्यूजियम है विच इज बेस्ड ऑन मैन काइंड जो किस पर बेस्ड है मैनकाइंड पर है मैनकाइंड मीन्स मानव जाति पर बेस्ड है इट नॉट ओनली मॉडल्स बट ओरिजिनल आर्ट ऑफ मैन इन लाइफ लाइक सेटिंग सो इज द मीनिंग ऑफ डिपिक्ट डिपिक्ट का मतलब क्या होता है डिपिक्टीन्स टू रिप्रेजेंट कुछ रिप्रेजेंट करना बाय ड्राॅइंग पेंटिंग और एनी अदर आर्ट फॉर्म किसी भी आर्ट फॉर्म के थ्रू कुछ रिप्रेजेंट करना तो इस म्यूजियम में सिर्फ मॉडल्स को ही रिप्रेजेंट नहीं किया गया है बट ओरिजिनल आर्ट ऑफ मैन मैन की जो ओरिजिनल आर्ट है ओरिजिनल कला है उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है

इसको कहा शिफ्ट कर दिया गया था भोपाल में इट इज सिचुएटेड अलोंग ए सेवन माइल लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन शामला हिल्स तो ये कहां पर सिचुएटेड है शामला हिल्स पर सिचुएटेड है ओवर लुकिंग द मैग्नीफिशियंट अपर लेक सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीफिशेंट मैग्नीफिश का मतलब क्या होता है इट मीन्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या इंप्रेसिव को हम क्या बोलते हैं मैग्निफिशेंट तो वहां से जो अपर लेक का व्यू दिखता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है ब्यूटिफुल है यू नो वॉट मेक्स द साइट सो स्पेशल सैड अंकल श्याम तो अंकल श्याम बोलते हैं क्या आप जानते हैं कि ये साइट इतनी स्पेशल क्यों है द हिल इज वन ऑफ ए कंटिन्यूस चेंटी वन हिल्स विच कंटेन प्रीहिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है इट मीन्स हैपनिंग और एग्जिस्टिंग फॉर ए पीरियड कुछ कंटिन्यूटी में होना लगातार होना

कंटीन्यूअस चेन है किसकी 31 हिल्स की जिसमें क्या है प्रीहिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स हैं देयर आर 36 केव्स कंटेनिंग प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स सिचुएटेड इन फोर लोकेशंस इन द म्यूजियम प्रमाइजिस और यहाँ पर कितने केव्स हैं कितनी गुफाएं हैं 36 केव्स हैं जिसमें क्या कंटेन किया गया है क्या है वहां पर प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं मतलब जब हिस्ट्री लिखाई भी नहीं थी रिटर्न भी नहीं हुई थी उसके पहले की भी पेंटिंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। एज यू कैन सी यर इन दिस पिक्चर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं आर देयर एनी डायनासोर पेंटिंग्स इन द केव्स आस्क्ड रोहित तो रोहित ने मिस्टर श्याम से पूछा अंकल श्याम से पूछा कि यहाँ पर कोई डायनासोर की पेंटिंग्स में देखने को नहीं मिलेंगी क्या मैन डिड नॉट अपियर टिल मिलियंस ऑफ इफ्टर जब डायनासोर्स जा चुके थे मर चुके थे उसके मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद भी मैन अपियर नहीं हुए थे मैन वर्ल्ड में नहीं आए थे डेड इंटरवेन इंटरवेन मीन ऑकर इन बिटवीन बीच में आना और बोलना द अर्ली मैन प्रोबेबली डिड नॉट इवन थिंक ऑफ देयर एग्जिस्टेंस तो जब पहले के जमाने के जब लोग थे जब अर्ली मैन थे जब इस वर्ल्ड में इंसान आए थे तब उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि डायनासॉर्स का एग्जिस्टेंस भी था कि कभी यहाँ डायनासॉर्स भी हुआ करते थे उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया हुआ सो देअर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डायनासॉर पेंटिंग्स तो डायनासोर पेंटिंग्स का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है बट यू मे नो मच अबाउट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द केव मैन वैन यू सी द केव पेंटिंग्स योर सेल्फ फिर अंकल श्याम ने कहा बट आप ये जान सकते हैं कि वहां के केव मैन की लाइफ कैसी थी उनका टाइम कैसा था आप ये सब जो केव्स में पेंटिंग्स बनी हुई है उनको देखकर आप ये सब जान सकते हैं द नेक्स्ट डे अंकल श्याम टुक द चिल्ड्रन टू promised प्रोमिस टूर टू history ऑफ मैन from द स्टोन एज टू मॉडर्न टाइम्स तो फिर जैसे कि अंकल श्याम ने प्रॉमिस किया था बच्चों से कि वो उन्हें टूर पर लेकर जाएंगे तो फिर वो उन्हें टूर पर लेकर जाते हैं किस टूर पर हिस्ट्री ऑफ मैन की टूर पर मैन की हिस्ट्री के टूर पर लेकर गए हैं जो स्टोन से शुरुआत होती है पाषाण युग से शुरुआत होती है टू द मॉडर्न टाइम्स और मॉडर्न टाइम तक की पूरी हिस्ट्री हम इस म्यूजियम में जान सकते हैं दे गेट ऑफ फ्रॉम देयर राइट ऑन द मेन एंट्रेंस ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय रानी एक्सक्लेम्ड रोहित लुक वॉट ए वंडरफुल गेट तो जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचते हैं और वो गेट के पास जैसे ही पहुँचते हैं म्यूजियम के तो रोह रानी बोलती है रोहित से जरा देखो कितना सुंदर ये गेट है इट इज़ पैरोल एक्सप्लेन अंकल श्याम तो अंकल श्याम बच्चों से बोलते हैं कि ये क्या है ये पेरोल है इसे हम पेरोल बोलते हैं द गेट इज कंस्ट्रक्टेड इन ए ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल कॉल्ड हिमालय जो ये गेट कंस्ट्रक्टेड हुआ है जो गेट ये बना हुआ है ये किस कैसे बना हुआ है ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल में बना हुआ है सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है बीइंग पार्ट ऑफ बिलीव कस्टम और वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पीपल फॉर ए लॉन्ग टाइम जो लोगों का तरीका होता है रहने का, का, मान्यताओं वो कुछ लंबे समय तक चला आ रहा है और जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ जैसे हम इन सिंपल वर्ड वी कैन से रीति रिवाज है ना तो हिमालया जो हिमालया के विलेज हैं, वहां पर इसी स्टाइल के गेट बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसी के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग यहां पर गेट बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं पैरोल जिसे हम क्या बोलते हैं एंटरिंग द प्रोमाइज रोहित नोटिस्ड अ बिल्डिंग विच लुक्ड स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सीन बिफोर तो जैसे ही वो एंटर करते हैं प्रोमाइजिस के अंदर तो वैसे ही उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है तो वो उस बिल्डिंग को देखते हैं और वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जो अभी तक उन्होंने बिल्डिंग्स देखी है उनसे बिल्कुल वो अलग थी वॉट इज दैट बिल्डिंग फॉर अंकल ही आस्ट तो रोहित ने अंकल से पूछा कि ये बिल्डिंग किस लिए है दैट इज वीथी संकुल सैड अंकल श्याम तो अंकल श्याम ने कहा ये वीथी संकुल है मेन म्यूजियम बिल्डिंग बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन लेट्स गो इन क्या बोलते हैं ये क्या है ये विधि संकुल है ये म्यूजियम की मेन बिल्डिंग है जो किस पर बेस्ड है ह्यूमन इवोल्यूशन की थीम पर बेस्ड है सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीम थीम का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट ऑफ मेन आइडिया इन ए टॉप पीस ऑफ राइटिंग ऑफ वर्क ऑफ आर्ट इन सिंपल वर्ड वी कैन से थी मीन्स विषय किस विषय पर है ये ह्यूमन इवेल्यूशन ह्यूमन इवेल्यूशन वॉट इज द मीनिंग ऑफ इवेल्यूशन इवेल्यूशन का मतलब क्या होता है द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एनिमल्स एक्सेट्रा ओवर मेनी इीन्स कैसे ह्यूमन में इवेल्यूशन हुआ कैसे क्या क्या चेंजेस आए क्या क्या डेवलपमेंट हुआ प्लांट्स में एनिमल्स में तो ये सब हम इस म्यूजियम में जान सकते हैं तो इस म्यूजियम का क्या थीम था ह्यूमन इवेल्यूशन कम लेट्स गो इन देयर चलो अंदर चलते हैं द चिल्ड्रन फेर थ्रिल्ड एज दे वॉकड पास्ट एक्जिबिट्स टेड वेरियस स्टेजेस ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस इन द इवल्यूशन ऑफ मैन थ्रू लाइफ साइज मॉडल्स फोटोग्राफ्स एंड स्केचेस तो जैसे ही बच्चे अंदर आते हैं दे फेल थ्रिल्ड थ्रिल्ड मीन्स नर्वस हो जाते हैं जब वो ये सारा देखते हैं पास्ट एग्जिबिट्स देखते हैं एग्जिबिट्स मीन्स जो थिंग्स वहां पर रखी हुई है प्रदर्शनी के लिए वो देखते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं वेरियस स्टेजेस रिप्रेजेंट करती हैं किसकी जो बायोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं ह्यूमन में जो डेवलपमेंट हुआ है मैन में वो सब देख सकते हैं वो किसके थ्रू देख सकते हैं मॉडल्स फोटोग्राफ्स एंड स्केचेस के थ्रू वो सब वो देख सकते थे और जान भी सकते थे रोहित लुक एट द बोट्स दे आर ब्यूटीफुल आर एंड दे सेड रानी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लेक एस दे केम आउट ऑफ द बिल्डिंग तो जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो उन्हें क्या दिखता है एक लेक दिखता है और वहां पे बहुत सारी बोट्स भी देखने को मिलती हैं तो रानी रोहित से बोलती है कि देखो कितनी सारी बोट्स हैं वहां पर और वो कितनी ब्यूटीफुल है कितनी सुंदर है द चिल्ड्रन रेन एक्साइटेडली एंड रीज ए प्लेस नियर द लेक विच लुक्ड एग्जैक्टली लाइक ए कोस्टल विलेज तो चिल्ड्रन एक्साइटमेंट में भागते हुए जाते हैं और वो कहा पहुंच जाते हैं लेक की ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एक कोस्टल विलेज हो आर दीज हर्ट्स रियल आस्ट रोहित और उन्हें भाव पे क्या दिखते हैं बहुत सारे हर्ट दिखते हैं झोपड़िया दिखती है तो रोहित पूछता है क्या ये हर्ट्स रियल है श्याम yes, तो अंकल श्याम बोलते है हा बिलकुल वॉट मेक्स दिस म्यूजियम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज द फैक्ट दैट इट प्रिजर्व फॉक आर्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटीज देअर हैबिटेट्स, देयर कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड देयर रिलेशनशिप विथ नेचर तो वो कहने लगे अंकल श्याम क्या आप जानते हैं कि ये म्यूजियम और सबसे क्यों डिफरेंट है क्योंकि इट प्रवस द मीनिंग ऑफ प्रिजर्व प्रिजर्व का मतलब क्या होता है टू कीप समिंग इन इट्स ओरिजिनल स्टेट किसी भी थिंग को उसकी ओरिजिनल स्टेट में रखना मीस संभाल कर रखना तो वो क्या संभालते हैं क्या प्रिजर्व करके रखा है उन्होंने फोक आर्ट को रखा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ देयर हैबिटेट्स सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट्स इट मींस द प्लेस वेयर आर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट इज फाउंड ऐसी प्लेस जहां पे कोई पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट पाया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं हैबिटेट तो उनके हैबिटेट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं उनकी कल्चरल डाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करके रखते हैं चेंजेस जो भी होते हैं उन सबको वो प्रिजर्व करके रखते हैं वहां की लोक कला को प्रिजर्व करते हैं एंड देर रिलेशनशिप विद नेचर और उनका नेचर के साथ जो रिलेशनशिप होता है उनको भी वो प्रिजर्व करके रखते हैं संभाल कर रखते हैं देयर आर मैनी सच रियलिस्टिक सेटलमेंट्स इन द म्यूजियम तो उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत सारे रियलिस्टिक सेटलमेंट्स हैं so realistic? Realistic का मतलब क्या होता है जैसे रियल में होते रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे सेटलमेंट भी हमें देखने को मिल जाते हैं और क्या किस किस फॉर्म में रहते हैं वो द कोस्टल विलेज द डिजर्ट विलेज द हिमालयन विलेज द ट्राइबल हैबिटेट एक्सेट्रा इन सब विलेजों में जैसे हट्स होते हैं जैसे सेटलमेंट्स होते हैं तो वैसा ही वैसा रियलिस्टिक सेटलमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है देयर आर मोर देन ट्वेंटी टाइप्स ऑफ हाउसेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पूरे इंडिया से यहाँ पर ट्वेंटी टाइप्स ऑफ हाउसेस हमें देखने को मिल जाते हैं अलग अलग ट्वेंटी हाउसेस हैं डिफरेंट टाइप्स में है वो वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे दे आर मेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम द कम्युनिटीज दे रिप्रजेंट एंड इंक्लूड आइटम्स लाइक यूटेंसिल्स फर्नीचर एंड फॉक आर्ट और वो किन्ने किन्ने बनाए हुए आर्टिस्ट ने बनाए हुए हैं जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी के आर्टिस्ट ने बनाए हैं और उसमें क्या इंक्लूड है आइटम्स और ये भी आइटम्स इंक्लूड है लाइक यूटेंसिल्स वहां के जो यूटेंसिल्स वो यूज़ करते हैं उस तरीके के यूटेंसिल्स हमें देखने को मिल जाते हैं यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन एंड फर्नीचर देखने को मिल जाता है जिस कम्युनिटी में जैसे फर्नीचर यूज होते थे जैसे फर्नीचर यूज होते हैं वो उस टाइप के फर्नीचर्स वहां पे हमें देखने को मिल जाते हैं एंड ऑल्सो द फोक आर्ट वहां का लोक कला भी हमें देखने को मिल जाती है एज यू कैन सी यर इन दिस पिक्चर जैसे कि आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं द चिल्ड्रन विजिटेड एज मैनी एग्जिबिट्स एज दे कुड इन कु सेवन एकर्स ऑफ म्यूजियम एरिया तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिबिट्स एग्जिबिट्स का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट और ए वर्क ऑफ आर्ट पुट इन ए पब्लिक प्लेस फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम सो दैट पीपल कैन सी इट ऐसा कोई ऑब्जेक्ट और कोई आर्ट जो पब्लिक प्लेस में रखा जाता है जैसे कि म्यूजियम में रखा जाता है ताकि पब्लिक देख सके पीपल देख सके जिसे हम बोल सकते हैं प्रदर्शनी है ना प्रदर्शनी में जैसे जो थिंग रखी जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं एग्जिबिट्स बोलते हैं तो जिन बच्चे जितने देख सकते थे उन्होंने देखे कितने एकर्स में 197 नाइनटी एकर्स ऑफ म्यूजियम एरिया में देखा इंक्लूडिंग द फेमस रॉक शेल्टर्स और उनमें फेमस जो रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं उनको भी देखा था एजेंसी इन दिस पिक्चर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं दे फेल टायर्ड बट देर वॉज स्टिल मस्ट टू सी वो अब थक चुके थे पर फिर भी अभी बहुत कुछ देखने को बाकी था लेट्स लीव इट्स गेटिंग लेट सेड अंकल श्याम तो अंकल श्याम बच्चों से बोलते हैं चलो हम वापिस चलते हैं अब हम लेट हो रहे हैं बट अंकल वी हैवेंड सीन द होल म्यूजियम रानी कंप्लेन सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेन कंप्लेट मीन्स टू से दैट यू आर अनॉइड अनहैप्पी और नॉट सेटिस्फाइड अबाउट समबडी और समथिंग। किसी थिंग या किसी पर्सन से सेटिस्फाइड नहीं होना शिकायत होना उसे हम क्या बोलते हैं कंप्लेन तो रानी शिकायत करते हुए बोलने लगी कि पर अंकल हमने तो अभी पूरा म्यूजियम देखा ही नहीं है यू विल समे तो अंकल ने कहा आप किसी दिन फिर आओगे स्कूल चिल्ड्रन आगे वन फ्री एंड एस्कॉर्टेड टूर थ्रू आउट द ईयर बाय द म्यूजियम तो म्यूजियम की तरफ से भी क्या होता है बच्चों के लिए टूर होता है ने? देखने के लिए नॉट ओनली दैट दे आर प्रोवाइडेड विद मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट फॉर देम सेल्व बाय द म्यूजियम स्टाफ और ना ही सिर्फ इतना ही बल्कि म्यूजियम स्टाफ की तरफ से आपको मटेरियल भी मिल जाता है ताकि आप आर्ट के ऑब्जेक्ट्स बना सकें अपने लिए सो आस्क लिएअर टीचर टू अरेंज फॉर एन एजुकेशनल एक्सकर्शन टू दिस मैग्निफिशियंट म्यूजियम समडे सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकर्शन एक्सकर्शन का मतलब क्या होता है इट मीन्स अ शॉर्ट जर्नी मेड फॉर प्लेजर छोटी सी जर्नी जो प्लेजर के लिए होती है तो आप ऐसी एजुकेशनल ट्रिप भी अरेंज करवा सकते हैं अगर आप अपने टीचर से बोल लेंगे तो वो अरेंज करवा देंगे आपके लिए इट इज वेरी मैग्निफिशेंट म्यूजियम और ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव म्यूजियम है और आप किसी दिन यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं आपके स्कूल के टीचर्स के साथ फिर से आएंगे और हमारे क्लासमेट के साथ हम जरूर यहाँ पर आएंगे किसने कहा रानी ने कहा थैंक यू अंकल फॉर गिविंग अच ए नाइस ट्रीट तो फिर रोहित एंड रानी दोनों ने अंकल को थैंक यू कहा और उनसे कहा कि आपने इतनी अच्छी ट्रीट हमें किया इतने अच्छे से रखा हमें समझाया इसके लिए थैंक यू वेरी मच आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी नाइसली एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो